ललित सिरमेघे गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद पारलिक बे ज्ञान विसारद सुखसन कारि शेष अनुसारद वरनी पवन सुत कीरतनी शास्त्र सब ब्रह्मन कोरस जन धर्म संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सभी आरति श्री गावत संत शंभो भवानी अरु घट संभव मुनि वेयानी व्यास आदि कर वरज मखानी काल भुसुंडे गरुड़ के लिए आरति श्री कलिमल हरली विशरत पी सुभग सिंगार मुखी युवती दलन रोग मोरी के तात मात सर विधि तुलसी आरति से रामायण जी कीरति कलित ललित सी रति करित ललित सियपी रति करित ललित सियपी हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हम सबों का परम सौभाग्य है कि इस 3 दिवसीय राम कथा में हम लोग सम्मिलित हो सके हैं और आज सौभाग्यवश हमारे बीच बहुत दूर दूर से चलकर अतिथि पधारे हैं। मैं सबों का सम्मान करता हूं। सर्वप्रथम हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी झारखंड के श्री अविनाश पांडे जी, श्री राजेश ठाकुर जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब सुल्तान अहमद खान साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे बीच
झारखंड सरकार के मंत्री भी उपस्थित हैं, माननीय श्री बन्ना गुप्ता जी, स्वास्थ्य मंत्री, साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री ढुल्लू महतो जी, विधायक बाघमारा, श्री अनूप महतो जी, अनूप सिंह जी, विधायक बेरमो। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री जलेश्वर महतो जी, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, धार्मिक न्यास के अध्यक्ष श्री जयशंकर पाठक जी हमारे बीच उपस्थित हैं, विजेंद्र सिंह जी, जिला बेस सूत्री के उपाध्यक्ष, साथ ही साथ राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो गौ सेवा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय दुबे जी जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं यहाँ के, और कोलकाता से पधारे श्री विवेक जी। सभी सम्मानित जनों से आग्रह है कि आप मंच पर आएं और मंच पर आकर के महाराज जी का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी सम्मानित जनों को श्री रविंदर सिंह जी, कृषि बोर्ड के अध्यक्ष, आप भी कृपा कर मंच पे पधारें और महाराज जी को सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़ा ही पावन अवसर हमारे समाज के अगुवाई करने वाले लोग सभी हमारे बीच उपस्थित हैं महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने को। और आज के इस राम कथा रूपी जयप्रकाश देवरालिया जी और प्रदीप कौशिक जी, आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग मंच पे आ जाएं। साथ ही साथ वैभव सिन्हा जी, आपसे भी आग्रह है, और सुशील सिंह जी, आप भी मंच पे आएं और आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज मानो श्रोताओं का संगम लग गया है और इस कोयलांचल के श्रद्धालुओं ने इतने बड़े पांडाल को बौना कर दिया है, नन्हा कर दिया है अपनी श्रद्धा के बल पे। पूरी पांडाल भर गई है, लोग स्टेडियम में बैठे हैं। आज बड़ा ही पावन अवसर है, हम सभी लोग आज राम सीता का विवाह की कथा सुनेंगे और आनंदित होंगे इस परम पावन अवसर पे। हमारे गणमान्य प्रदेश के बड़े बड़े नेतागण आज श्रोता के रूप में पधारे हैं, इन सबों का भी खूब खूब स्वागत है। अब हम सब नीचे बैठ करके और हम महाराज जी के श्रीमुख से अब कथा का रसपान करेंगे।
मैं आग्रह करूंगा, सिख समाज के लोग भी बाबा को सम्मानित करना चाहते हैं, वे तुरंत आ जाएं और मंच पे आकर के उनका सम्मान करें। विप्रसेना झारखंड के महेंद्र भगानिया स्वामी जी, आप भी आएं और आकर के बाबा को सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भैया अब आप लोग बैठ जाइए। अभी कोई आने वाला नहीं है ना ऊपर? अभिषेक जी ऊपर कोई आने वाला नहीं है ना? अभी हम प्रारंभ करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। स्वस्ते गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमा प्रेम सहित आसन धरऊं। सुनहु कथा करूंगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा अस्मदाचार्य
वंदे श्री गुर परम परा श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणम् प्रपदे श्रीरामचन्द्रम् प्रपदे कर्पूर गौरम् करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमता वरेषम् वातात्मजम् वानरयुतमुख्यम् शिरामदूतम् शरणम् प्रपदे सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम चरण रति मोर
अनुदीना बढ़ाओ अनुग्रह तो रे अनुदीना बढ़ाओ अनुग्रह तो जे ही विधि ना था कोई ही दास मैं तोरा करूं सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम 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 सीता 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 राम 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 मत पिता राम चंद्र स्वामी राम मत सखा राम चंद्र सर्वस्वम मे राम चंद्रो दयालु नार्यम जाने नैव जाने न जा बंदो श्री तुलसी के चरण जिन किन्हों जग का कलि समुद्र भोड़त लखे प्रगट्यों सत जहाज सिय राम मय सब जग सियावर रामचंद्र भगवान की जय जोड़ से श्री बाल कृष्ण भगवान की जय श्री उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय
ओम नमः पार्वती पतये हर हर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान शिव माँ भवानी एवं श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार कविकुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। झारखंड झरिया के इस परम पुनीत धराधाम पर आप सबकी आदरणीय विधायिका महोदया श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह जी एवं उनके पूरे परिवार रघुकुल परिवार के तत्वावधान में भगवत कृपा कहें, हरि कृपा कहें, हनुमत कृपा कहें अथवा शिव कृपा कहें, अचानक ये 3 दिवसीय श्री राम कथा का सत्र हमको और आपको सुलभ हो गया। ये भगवत कृपा का परिणाम है। नित्य की भांति ठाकुर जी का पूजन हमारे भैया श्रीमान अभिषेक सिंह जी बहुरानी श्रीमती शिवानी सिंह जी के साथ ठाकुर जी का पूजन किए। पूरा परिवार विधायिका महोदया का, इनके साथ आज उपस्थित आप समस्त विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पर, मैं नाम सबके नहीं जानता इसलिए क्षमा करिएगा, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहने, हमारे आपके मध्य में देवघर से उपस्थित संत चरण, झारखंड में मेरी पहली 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन कराने वाले बाबूजी परम आदरणीय श्रीमान रामानंद राय जी, कहां बैठे हैं बाबूजी? बाबूजी कहां है वो? अच्छा निकल गए। अच्छा, पूरे परिवार के साथ आज आए थे। YouTube एवं Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस मंडली के साथ मेरा आप सबको सादर जय सियाराम। दो बार आप लोगों ने मेरे नाम का जयकारा लगाया, ये उचित नहीं है, ठीक ना? देखिए, आप सब सुंदरकांड पढ़ते होंगे। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज से जब विभीषण जी मिले हैं तो विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी क्या मेरे जैसे अधम पर भी रघुनाथ जी कभी कृपा करेंगे? मैंने कोई साधन नहीं किया है। तो श्री हनुमान जी बोले, विभीषण जी आप अपनी बात करते हैं, आप मुझे देखिए। कहो कवन मैं परम कुलीना, कहिए मैं कौन? बहुत बड़े खानदान से आया हूं। कपि चंचल सब ही विधिहीना, मैं कपि हूं। श्री हनुमान जी महाराज अपने को अधम बोल डाले यहां पर। हम कथावाचक अंतरराष्ट्रीय संत बने घूम रहे हैं, हनुमान जी अपने को अधम बोल रहे हैं, हम अपने को संत बोल रहे हैं।
हनुमान जी कहते हैं प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन तक नहीं मिलेगा। ये जानते हैं हनुमान जी ऐसा क्यों बोले? हनुमान जी चाहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न जपें, वो मेरे भगवान श्री राम का नाम का जाप करते रहें। इसलिए कहते हैं मेरा नाम न लीजिए, इनका नाम लीजिए। उसी प्रकार भगवान के सामने बैठकर कभी किसी जीव की जय जयकार न करिएगा, ठीक ना? करना है तो कहिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय करिए। कल हमने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को श्रवण किया और आज बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में हम और आप सम्मिलित हुए हैं। कल की कथा आपने श्रवण की, जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उस कार्य को मेरे परमात्मा ने करके दिखाया। क्या कार्य किया? भगवान ने धनुष को खंड खंड कर दिया। रघुबर उर जय मां, प्रणाम, मेरी माँ ने भगवान के गले में जयमाल पहनाया। ये दृश्य देखकर देखी देव पर सही सुमा, देवता ये दृश्य देखकर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। वहीं पर सकुचे सकल भुआ जिमी बिलो की रबि उमुदगा। अब आप दर्शन करिए, दृश्य एक है लेकिन व्यवहार दो प्रकार से है। दृश्य क्या है? मेरी माँ ने मेरे प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, इस भाव को देखकर आकाश से देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। और वहीं पर जितने राजा थे जिनसे धनुष हिला तक नहीं था, उन समस्त राजाओं का चेहरा मुरझा गया। ये क्या है? जो जीव देवत्व भाव से संपन्न है वो दूसरे के उत्कर्ष को देखकर हर्ष में उपस्थित हो जाता है। जो जीव संतत्व से भरा पड़ा है वो बगल वाले के प्रगति को देखकर उत्साह में आएगा, और जिसके भीतर संतत्व का अभाव है वो दूसरे के प्रभाव को देखकर अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करने लगता है। उसके लिए एक शब्द है जरुआ। जरुआ आदमी को भूल कर भी अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। नया सोफा पर लाकर बिठाइएगा, जैसे चाय लाने के लिए भीतर जाइएगा नाखून से सोफा नोच देगा, फट जाए। क्यों? वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। समस्त राजाओं का मुखमंडल मुरझा गया हो। अब यहां एक 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 प्रश्न उठता है कि जिस कार्य को 10,000 राजा एक साथ नहीं कर पाए उस कार्य को मेरे रघुनाथ जी ने कैसे कर दिया? धनुष यज्ञशाले में उस धनुष को लाया गया था सरकार, तो कोई ना कोई तो लाया होगा। चलते मानते हैं कोई एक व्यक्ति नहीं लाया होगा। उस धनुष को तो मेरी माँ ने बाएं कर से उठा लिया था। अकेले लेपन करते समय माँ जानकी ने बाएं हाथ से उठाया और नीचे लेपन कर दिया। जनक जी महाराज यही दृश्य देखते समझ गए कि मेरे घर में शक्ति ने अवतार ले लिया है, और मन में भाव आया कि यदि शक्ति आई है तो शक्ति का वर्ण करने के लिए भगवान को भी आना पड़ेगा। इसलिए उस पिनाक को केंद्र में रख दिया स्वयंवर के, कि जो धनुष को उठाकर प्रतंचा चढ़ाएगा वही भगवान होंगे। भगवान को छोड़कर अकेले कोई ये कार्य करने वाला नहीं है। तो मानते हैं कि एक व्यक्ति उस धनुष को वहां नहीं लाया होगा, 10-12 लोग मिलकर लाए होंगे। जब 10-12 लोग मिलकर उठा लिए तो 10,000 राजा मिलकर क्यों नहीं उठा पाए हो? प्रश्न है यहां पर। और उस कार्य को मेरे भगवान ने कैसे कर दिया? देखिए, राम जी ब्रह्मा हैं, भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कुछ भी करने में संभव है।
परंतु राम अवतार में मेरे प्रभु ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जो मनुष्य के व्यवहार से इतर हो। रामचरित्र में और कृष्ण चरित्र में केवल इतना अंतर है कि भगवान कृष्ण जन्म लेते अपनी लीला दिखाने लगे, अकासुर बकासुर ककासुर जितने ससुर थे सबको मार डाले, किसी को पटक के मारे, किसी को दौड़ा के मारे, किसी को फाड़ के मारे। लेकिन आप रामचरित्र पढ़िएगा, भगवान ने ऐसी कोई लीला नहीं की जो मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों? मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज सुबह प्रेस वार्ता थी, एक पत्रकार बंधु ने प्रश्न किया, महाराज रामचरित्र राम कथा वर्तमान परिवेश में क्यों आवश्यक है? मैंने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, भैया केवल वर्तमान परिवेश में नहीं, जब से ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का निर्माण किया और जब तक वसुंधरा पर अंतिम मानव उपस्थित रहेगा तब तक इस श्री रामचरितमानस की मनुष्य को आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व निर्माण करने का ग्रंथ है, एक आदर्श चरित्र स्थापित करने का ग्रंथ है, एक आदर्श राष्ट्र निर्माण करने का ग्रंथ है, एक आदर्श व्यक्तित्व बनाने का ग्रंथ है। अब यहां प्रश्न पर आता हूं, उस कार्य को राम जी कैसे कर गए? तो यहां दर्शन करिए, राम जी धनुष तोड़ने नहीं गए हैं, राम जी को धनुष तोड़ने के लिए भेजा गया है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, राम जी को धनुष तोड़ने के लिए किसने भेजा? देखिए तितली रानी फिर आ जा गई, तीसरा दिन है आज। हाँ, राम जी को धनुष तोड़ने के लिए किसने भेजा? कहिए कहिए, किसने भेजा? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने क्या कहा? उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिता। जब हमको हमारे श्रेष्ठ कोई व्यवहार करने की आज्ञा दे देते हैं तो फिर उस व्यवहार को हमको नहीं करना पड़ता है, श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही हमारे द्वारा वो व्यवहार पूर्ण करा देता है और हमको यश की प्राप्ति करा देता है। ये कथा कहती है, जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए, प्रयास करिए, अपने घर के श्रेष्ठ से अनुमति प्रदान करके करने का प्रयास करिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सीता मैया का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी गए तो सारे कपि राम जी यहां बैठे रहे और सामने से सारे कपि लोग प्रणाम करके जाते भय, पहले जामवंत जी गए भगवान आशीर्वाद दिए, अंगद जी प्रणाम किए भगवान आशीर्वाद दिए, नल नील प्रणाम किए भगवान आशीर्वाद दिए, सब कपि प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए, सबसे अंत में जब श्री बजरंग बली ने प्रणाम किया तो राम जी आशीर्वाद नहीं दिए, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। केवल श्री हनुमान जी को भगवान ने निकट बुलाया, सिर पे अपना हाथ रखकर दुलार किया और कहा, हनुमान जाइए, बहु प्रकार सीतहिं समुझाए हो, कहि बल बिरह बेग तुम आए। राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा, जाइए हनुमान जी, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा और समझा करके शीघ्र वापस आइएगा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और जाकर लौट कर आने के लिए कह दिया, तो अब दुनिया की कोई शक्ति हनुमान जी को मार्ग में रोकने वाली नहीं है। क्यों? हनुमान जी अकेले नहीं जाने वाले हैं, उनके साथ मेरे रघुनाथ जी का आशीर्वाद जाने वाला है और वो आशीर्वाद ही सकुशल लेकर आएगा। हनुमान जी वापस आए, ये प्रसंग कहता है दोबारा,
जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए तो अपने श्रेष्ठ का घर में आशीर्वाद लेने का स्वभाव बनाइए। आशीर्वाद बड़ी पूंजी है माई बाप। कई लोग कहते हैं यदि माई बाबूजी हमारे नहीं है तो, नहीं है तो उनकी फोटो तो है। यदि आप भाव से उनके छवि को प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे तो वो जिस लोक में बैठे होंगे उस लोक से उनके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहेगा। प्रारंभ करके देख लीजिए। असंभव को भी जीव संभव कर सकता है यदि उसके साथ उसके श्रेष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और हमारे जीवन में विफलता का सबसे बड़ा कारण है हम भगवान से आशीर्वाद तो लेना चाहते हैं लेकिन घर में जो जीवित भगवान बैठे हैं उनका आशीर्वाद नहीं लेना चाहते। और ये भगवत अपराध के बराबर है। घर में जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ कहने के लिए नहीं होते हैं, श्रेष्ठ मानने के लिए होते हैं। प्रभु ने धनुष को खंड खंड कर दिया है। मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। जितने राजा थे जहां तहां गाल बजाने लगे। देखिए एक क्षमा करिएगा, हारा हुआ आदमी हल्ला बहुत करता है। क्षमा पूर्वक, कमजोर आदमी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करता है। क्यों? वो जानता है लड़ तो सकता नहीं हूं तो कोशिश करता है कि आवाज में जोर जोर से चिल्ला के इनको दबा दूं। ठीक ना? जो जोर से चिल्ला रहा है उसको चिल्लाने दीजिए। हाथी जब मार्ग में निकलता है गांव से तो गांव के जितने कुत्ते हैं सब भौंकने लगते हैं। भौंकते हैं ना? क्यों भौंकते हैं आप जानते हैं? हाथी के सामने पूरा गांव हाथ जोड़े खड़ा रहता है, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। कुत्तों को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है। कुत्तों को लगता है बताओ इस गांव में हम जी रहे हैं, हमको जो सब लोग डंडा मारते हैं, ये पहली बार हाथी आया सब इसको हाथ जोड़े खड़े हैं, भोंको इसको। सारे कुत्ते मिलकर हाथी को भोंकने लगते हैं। लेकिन आप दर्शन करिएगा, हाथी कभी किसी कुत्ते को पलट के जवाब नहीं देता है, वो अपनी मौज में यात्रा में लगा रहता है। जवाब क्यों नहीं देता? हाथी जानता है कि इन कुत्तों को भोंक कर इसी गांव में रहना है, हमको बहुत दूर तक जाना है। यदि मैं जवाब देने लगूंगा तो मैं भी इनके साथ यहीं फंस के रह जाऊंगा, इसलिए अपनी यात्रा में रहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहने दीजिए, अपनी यात्रा में रहिए। क्यों? जो करना है शरीर में जब तक सामर्थ्य शक्ति है कर जाइए, नहीं तो ये जीवन साहब एक ही दिन बीत रहा है। हमारे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए,
बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांव में बल ना झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, 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 बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन हर हरि का तू हर पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, विश्वास रखिएगा मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल और आँखों पहर धीरे धीरे। बतिया कुछ बुझाता, अरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, आप अपनी यात्रा में लगे रहिए। सारे राजा गाल बजाने लगे, पकड़ लो बांध दो, केवल धनुष तोड़ने से क्या होता है, हमारे रहते इस कन्या का वरण कोई दूसरा कर लेगा, यदि महाराज जनक सहायता कर दें तो हम इन दोनों बच्चों को बंदी बना लेंगे।
जनक जी काहे सहायता करेंगे हो, आप कहिए। सारे राजा जब लगे चिल्लाने, लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये राजा जी लोग हमसे मिलना चाहते हैं, आज्ञा हो तो तनिक मिल लूं। भगवान ने कहा शांत रहो, इन राजाओं को शांत करने के लिए बाबा जी चल दिए हैं, बस पहुंचने वाले हैं थोड़े देर में। और गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय, तेही अवसर सुने शिव धनु भंगा, तेही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आ गए, कमल पतंगा देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, पाज झपट जनु लवालुकाने, बाज झपट जनु लवालुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा, वृषभ कंधौर बाहु विशाला, वृषभ कंधौर चारु जने वो माल मृग छाला, चारु जने वो माल मृग छाला, चारु जने वो माल मृग छाला, चारु जने वो माल मृग छाला। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे धनुष का भंजन भगवान ने किया, धनुष के टूटने की ध्वनि तीन लोक तक गई थी, तीन लोक चौदहों भुवन। आप कहोगे महाराज ये कहां लिखा है, लिखा है भरे भुवन घोर कठोर रव रव विभाजित तज मारग चले, चिक्कर हित कजडोल मही खोल पूर मंगल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचार ही, कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचार ही। ई का बट रहा है वो भैया बीच में, ई का बट रहा है, काहे के लिए करवा रहे, अभी ओकरा खातिर मारा मारी हुई। आप लोग कथा सुनने आए हैं कि पटका पहनने आए हैं? आ? आइए दो मिनट कीर्तन करते हैं, आप लोग शांत हो जाइए पहले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
सबसे पहले तो जितना ही व्यवस्थापक लोग हैं वो व्यवस्थित होकर पहले बैठ जाएं। जितने लोग बीच में घूम रहे हैं आप लोग बैठ जाइए, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। एक कथा में व्यवस्था के लोग चुप करा रहे थे, सबसे ढेर हल्ला वही करते थे, कोई नहीं बोलेगा और सबसे ढेर हल्ला वही करे। धनुष के टूटने की ध्वनि सुनकर उसी समय जब राजा गाल बजा रहे थे परशुराम भगवान का आगमन हो गया। अब यहां समझिएगा, ये जो धनुष पिनाक, शंकर जी का पिनाक धनुष था, इस धनुष को परशुराम जी ने ही जनक जी के पास रखवाया था कि ये मेरी अमानत, आप अपने घर में कुछ दिन रखिए, जब समय आएगा तो मैं लेकर के जाऊंगा। अब कोई व्यक्ति अपनी सामग्री आपके घर में रखे और आप उसको दांव पे लगा देंगे? आवाज जब महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत परशुराम जी के कानों तक गई तो समझते विलंब नहीं लगा, ये पिनाक के खंडित होने की ध्वनि है। आवेश में भर गए और उसी स्वरूप में मिथिला प्रवेश हुआ। गोस्वामी जी ने स्वरूप का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। परशुराम जी जब आए हैं, पूरा गोरा शरीर, शरीर पर भस्म का लेपन हुआ है, विशाल ललाट है, भाल विशाल, और उस विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि वदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण हुईयावा, सिर पे जटाओं का मुकुट है, चंद्रमा की भांति कांति से ओत प्रोत मुखमंडल है, क्रोध के कारण उनका मुख चेहरा थोड़ा लाल हो चुका है। वक्षस्थल पर दिव्य यज्ञोपवीत शोभायमान है, कमर में मृग चर्म लगा हुआ है, हाथ में भगवान श्री हरि का धनुष अजगों है, कमर पर उनका परसा बधा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं स्वरूप तो शांत है लेकिन करनी बहुत कठिन है उनकी, बरनी न जाई स्वरूप। यहां एक प्रसंग में आपसे निवेदन करूं, जीवन में शांति लाने से पहले चेहरे में शांति लाने का स्वभाव बनाइए। स्वरूप में जब तक शांति प्रवेश नहीं करेगी माई बाप, तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। और स्वरूप में शांति कैसे आएगी? जब हम वर्तमान में जीने का स्वभाव बना लेंगे तो मुख पर अपने आप शांति आ जाएगी, वर्तमान में जीने का। परशुराम जी का रूप कैसा है? शांत वेश। इतना होने के बाद भी गोस्वामी जी कहते हैं वेश कैसा है? शांत है। जितने भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं उनका मुख आपको शांत दिखाई पड़ेगा। क्यों? अशांत मन से जीवन में कभी श्रेष्ठ व्यवहार हो ही नहीं सकता है। जिसका मन अशांत है, अशांत मन के जीव से श्रेष्ठ व्यवहार होना असंभव है। मन को शांत करिए। मन शांत कैसे होगा? वर्तमान में रहिए, भविष्य की रचना बनाइए लेकिन वर्तमान में जीने का स्वभाव बनाइए। कई लोग कहते हैं आजकल डिप्रेशन बहुत होने लगा है। डिप्रेशन क्यों होता है? मनुष्य जहां रहता है उसको स्वीकार नहीं कर पाता और जहां पहुंच नहीं सकता उसी की कल्पना करता रहता है। आजकल तो मोबाइल साधन हो गया है, ऐसा गाड़ी अगर हमरे लगे हो जाए तो कितना आनंद हो। हाँ,
अरे वैसा गाड़ी कब होगा जब उस गाड़ी की क्षमता हम पात्रता निर्माणित करेंगे तब वो गाड़ी अपने आप आ जाएगी। उसके लिए पात्रता निर्माण करनी होगी। पात्रता कैसे होगी? कर्म से पात्रता का निर्माण होगा। आज ही कैसे प्राप्त हो जाएगी? डिप्रेशन क्यों हो रहा है? हम कोई मिल क्यों नहीं रहा है? अरे मिलेगा कब? जब आगे बढ़ेंगे तब न मिलेगा। वर्तमान में जीने का स्वभाव बनाइए। परशुराम जी शांतवेश परंतु करनी कठिना इसीलिए बरनी न जाए स्वरूप। स्वरूप का वर्णन नहीं हो पा रहा है। जैसे आए लगता है धरि मुनि तन जनु वीर रस आयऊ जहां सब ऐसा लगा मानो वीर रस ने मुनि का रूप धारण करके सभा में आगमन कर लिया हो अपना। जितने राजा कह रहे थे पकड़ लो राम लक्ष्मण जी को, बांध दो, हरा दो, परशुराम जी जैसे दिखाई पड़े सारे राजा अपना धनुष बाण छिपाकर कतारबद्ध होकर लाइन में लग के सपने अपने पिताजी का नाम लेकर सभी राजा परशुराम जी को दंड प्रणाम करने लगे। हम अमुक राजा के पुत्र हैं, हमारे पर कृपा करिएगा मुनिदेव। लगे करण सब दंड प्रणाम। प्रणाम करके जाकर किनारे कतारबद्ध होकर सारे राजा खड़े हो गए। परशुराम जी क्रोध में हैं। अब यहां व्यवहार समझिएगा। नियम से विश्वामित्र जी के पास परशुराम जी को आना चाहिए अथवा दोनों महात्माओं को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो जो व्यवहार सरकार सही बोल रहा हूं। लेकिन यहां परशुराम जी खड़े हैं। विश्वामित्र जी समझ गए कि अभी क्रोध में है, इसलिए यदि वो नहीं आ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो कुछ घटने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी ही राम लक्ष्मण जी को लेकर परशुराम जी के पास चले गए। जाकर मिलन हुआ दो महापुरुषों का, राम जी लक्ष्मण जी का विश्वामित्र जी ने परिचय कराया। और आपसे तीन दिन में दूसरी बार कहता हूं, जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं श्रेष्ठ हूं। उसका स्वरूप, उसका आचार, उसका विचार और उसका व्यवहार तीनों बताता है कि यह श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। बताना नहीं पड़ता। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मेरे प्रभु रघुनाथ जी परशुराम जी के पास आए, राम ही चित्तई रहे थकी लोचन रूप अपार मार मल मोचन। भगवान के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके परशुराम जी की आंखें भगवान के रूप में ही जाकर विलीन हो गईं। मन बुद्धि चित्त और समस्त इंद्रियां भगवान में एकाग्रित हो गई हो, परिणाम परशुराम जी ये भूल गए कि मैं कहां आया हूं, क्यों आया हूं। मानो सौंदर्य का समुद्र सामने आकर खड़ा हो गया हो। परशुराम जी आंखों से भगवान को देखने लगे और क्रोध में भरे हुए परशुराम जी मानो मन ही मन गाने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे, तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो जी, तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे, तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी, ओ बलिहार राघो, मंद मंद मुसुकनिया पे, मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। अब
बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे तेरी पाँव की पैजनिया पे तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी पाँव की पैजनिया पे तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे बलिहार राघो जी 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 बलिहार तेरी मंद मंद मुसुकनिया पे अरे न्योछार राघो जी बलिहार राघो जी। तब तक अचानक स्मृति में आई परशुराम जी के कि मैं क्यों आया हूं। राम जी से चेहरे को हटाकर जनक जी की ओर देखा। बहुर बिलो की विदेह सन कहु काहति भी। जनक, आज आपकी सभा में इतने राजा क्यों उपस्थित हुए हैं? और आपको एक नियम बताऊं, उस समय वर्तमान समय में एक नियम था कि धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन यदि कराना हो तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। एनओसी का अर्थ बिना उनके अनुमति के एक साथ इतने राजा कहीं एकत्रित होने वाले नहीं थे। आज दीप दीप के राजा। परशुराम जी ने पूछा जनक जी से, इतने राजा आज क्यों एकत्रित हुए हैं, ये कारण बताओ। जनक जी महाराज ने पूरी बात सुनाई। समाचार कही जनक सुनाए जेहि कारण महीप सब आए। जनक जी ने कहा, प्रभु मेरी बिटिया के स्वयंवर में ये समस्त राजा यहाँ उपस्थित भए हैं और उस स्वयंवर में शिव का पिनाक ही केंद्र में रखा हुआ था। जैसे इतनी बात कही जनक जी ने, परशुराम जी की दृष्टि पिनाक के टूटे हुए खंड पर गई और जैसे पिनाक का टूटा हुआ भाग दिखाई पड़ा, ऐसा लगा मानो किसी ने भभकते हुए अग्नि में घी छोड़ दिया हो, ऐ क्रोध भभक उठा। परशुराम जी तमतमा कर बोले, ऐ जड़ जनक,
निकाल करके बाहर करो उसको जिसने पिनाक को खंडित किया है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक ये धरती को पलट दूंगा, अभी समाप्त कर दूंगा तुम्हारी सत्ता को, निकाल करके बाहर करो। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे, अब क्या होगा। सीता मैया सुनैना जी सब कांपने लगे। जितने राजाओं से कल आपने सुनी कथा, धनुष हिला भी नहीं था, वो सारे राजा खड़े थे वहां पर। एक राजा अपने बगल के राजा से बोलने लगा, तुम क्या समझते थे हम धनुष को तोड़ नहीं सकते थे, कल हमारे में बल नहीं है, हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, हमारी दूरदर्शिता हम पहले ही पता लगा लिए थे, हमारा अनुमान सही निकला, हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ही बाबा जी जरूर आएंगे, कौन जान आफत में डाले अपन, इसलिए हम गए यहां से, लेकिन हम नाटक करके चले आए, हम तो बलि नहीं लगाए, नहीं तो हम तो कानी उंगली से तोड़ देते। बगल का राजा, दूसरा राजा, सेम हियर, मैं भी जानता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैं भी नहीं गया, तोड़ ताड़ के ऐसे छूछा के चला आया, लेकिन मन में अपने अपने भगवान से सब राजा बोलने लगे, जय हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु, कल तो बड़ा क्रोध आया, इतना प्रार्थना किए हमसे नहीं तुड़वाया, आज पता चला बहुत अच्छा किया हमसे नहीं तुड़वाया, यदि हमसे टूटा होता तो आज ही बाबा जी हमको ना छोड़ते। सारे लोग थर थर कांप रहे हैं, और यहां दर्शन करिए, सबको भयभीत देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे की ओर निकल आए, परशुराम जी को प्रणाम करके राम जी बोले, यहां मेरे भगवान की शीलता का दर्शन करिए। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, प्रभु इस धनुष का भंजन करने वाला हो ही केउ एक दास तुम्हारा, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला मैं नहीं हूं, आपका कोई दास होगा। अब यहां दो बातें मैं निवेदन करूं, जब जब ये कहते हैं कि इस कार्य को मैंने किया है, ये मैं ही अभिमान को जन्म दे देता, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, जहां मैं प्रवेश किया अभिमान होने में विलंब होने वाला नहीं है। कई आदमी का एक ही काम, आंख खुलने से सोने तक मैं, इतना मैं करत है, बकरी हस में मियात है, मैं से बचिए, ये मैं ही जीवन को समाप्त कर देता है। सरकार हमारे हरिद्वार में एक महापुरुष भय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, भिक्षु जी, अद्भुत संत भारत के, गीता कुटीर हरिद्वार में उनका आश्रम है। अभिषेक बाबू, जो आदमी दिन भर मैं बकरी अस्करत है, गीतानंद जी उससे प्रश्न करते हैं, पहले मेरी बात का उत्तर दो, ये मैं की आवाज आती कहां से, कौन है वहां वाणी है आती जहां से, अरे कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर तुझको पता है। क्या महाराज, मुख बोलता है या तू बोलता है, कौन बोलता है बता, तेरे मुख को कौन खोलता है। आदमी दुकान पर बैठा है कांटा तराजू लेकर, 5 किलो, 4 किलो, 2 किलो,
भिक्षु जी पूछते हैं, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, अब सोच समझ कर तू उत्तर दे रे। क्या महाराज? हाथ तौलते हैं ये, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है। इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालिए कि आप कर रहे हैं। रघुनाथ जी हमसे गवा रहे हैं तो राजन बैठकर यहां गा रहा है, और रघुनाथ जी आपसे सुनवाना चाहते हैं तो आप यहां बैठकर सुन रहे हैं। न मेरे में गाने की शक्ति है, न अभिषेक बाबू और पूर्णिमा जी में आयोजन कराने की शक्ति है, न आप में बैठकर सुनने की शक्ति है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये हरि इच्छा से हो रहा है, इसलिए मैं से बचाइए अपने को। राम जी ये नहीं बोले कि मैंने तोड़ा, राम जी बोले प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। क्यों? इतना बड़ा कार्य बिना आपके आशीर्वाद के होने वाला नहीं है, आपका आशीर्वाद आपके दास पर होगा। और वो दास इशारे में राम जी ने कह दिया मैं ही हूं। कहा प्रभु कहिए क्या आज्ञा है इस राम को। राम जी की ये भाषा परशुराम जी के समझ में नहीं आई। परशुराम जी बोले राम जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो मेरा दास सेवक नहीं है, शत्रु है, शत्रु। निकाल करके बाहर करो उसको समाज से, नत मारे जय हई सब राजा, जितने राजा हैं सबको मार दूंगा एक साथ। लक्ष्मण जी दूर खड़े थे, लक्ष्मण जी देखे कि ये भैया और इन महात्मा जी की जोड़ी बन नहीं पा रही है, ये बाबा जी गरम दल के नेता लग रहे हैं, अब भैया हमारे नरम दल के नेता हैं, ये जोड़ी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी स्वयं आगे आ गए और आगे आकर प्रणाम करके विश्वामित्र परशुराम जी को, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि बचन लखन मुसुकान। अब सोचिए कोई आदमी आग बबूला हो क्रोध में और उसके सामने जाकर क्या होगा, क्या होगा, उसका क्रोध और भभक जाएगा। लक्ष्मण जी पहला काम किए जाकर मुस्कुरा दिए और मुस्कुराकर बोले कि आप उस धनुष के टूटने के कारण आए हैं ना, यही कारण है ना, लेकिन एक बात बताइए, जब मैं छोटा था तो रोज एक धनु ही तोड़ देता था, आज तक किसी धनु के टूटने पर आप नहीं आए। एही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई बोले, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के पंडित जी महाराज। ये कौन सी है वो बीच में माताओं के घुस के तिलक कर रहे हैं, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, जिसको कराना होगा बाहर कराएगा। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, माताओं के बीच में घुस गए आप, अद्भुत अद्भुत लोग हैं भाई। बाहर निकलिए, जेके करा हुआ बाहर तिलक करा ली, और तिलक कराना है तो घर से तिलक लगा के चलिए, ये डेकोरेशन वाला तिलक ना करिए। तीन घंटा कथा में तिलक लगेला से कुछ ना हो, लगाना है तो नित्य तिलक लगाइए। देखिए ये तिलक हमारे सरकार अयोध्या के महात्मा कहते हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूं। अयोध्या के एक महात्मा कह रहे थे बाबू कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो ही प्रकार। कौन कौन से जानते हैं? एक पालतू कुत्ता
और दूसरा फालतू कुत्ता, दोनों में बड़ा अंतर है। पालतू कुत्ता बढ़िया बढ़िया साबुन से नहाता है। एक घर में गए थे तो वहाँ हमारे लिए साबुन निकाल के रखा गया, दूसरे हम लगाए नहीं थे उसको क्योंकि हम अपन साबुन खुदे लेके चलत हैं। दूसरे दिन देखे कि बाहर एक कुकुर उसी साबुन से नहा रहा था, इसलिए हम अपना साबुन उबुन सब लेके चलत हैं। साबुन से नहाता है, शैम्पू से नहाता है, बढ़िया बढ़िया सामान खाता है, एसी की गाड़ी में घूमता है। अब फालतू कुत्ता जहाँ जाता है डंडा खाता है। हैं तो दोनों कुत्ते, लेकिन दोनों के साथ इतना अलग अलग व्यवहार क्यों होता है, कभी सोचा? एक अंतर है, पालतू कुत्ते के गले में पट्टा लगा रहता है, अब फालतू कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं लगा रहता है। ये जो माला है ना तुलसी जी की सब माला, यही भगवान की प्रियता का पट्टा है। जो भी गले में धारण किया है वो फालतू से भगवान का पालतू बन गया है, और जहां रहेगा आनंद होता रहेगा। ये माला कंठी भगवान को प्रिय है, सनातनी है तो माल्य और तिलक धारण करने का स्वभाव बनाइए। ये तिलक, किसने कहा महाराज तिलक क्या है? जैसे कल्पना करिए, स्त्री यदि सिंदूर न लगावे तो कोई स्त्री कह सकती है उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं सिंदूर लगाऊं न लगाऊं, मैं अपने पति को प्रेम करती हूं, इस सिंदूर से प्रेम का कोई मतलब नहीं है। सही बात है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सिंदूर बताता है कि उसका पति है, वो सनाथ है। उसी प्रकार भक्त का तिलक बताता है कि वो अनाथ नहीं है, वो सनाथ है, उसका भगवान उसके साथ खड़ा है। इसलिए घर से नित्य तिलक लगाने का स्वभाव बनाइए। लक्ष्मण जी बोले कि आप इसी धनुष के टूटने पर आए, हम रोज बचपन में एक धनु ही तोड़ते थे, आप तो कभी नहीं आए। एही धनु पर ममता के ही है, इसी धनुष पर आज आपका इतना प्रेम क्यों उमड़ गया? अरे परशुराम जी आग बबूला हो गए, बोले रे इंद्रपालक, लगता है तू काल के बस में हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी, धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाओ। और आप कह रहे टू किसने तोड़ा, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है, पुराना हो गया था, मेरे भैया ने केवल टच किया था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, भैया का कोई दोष नहीं है, भैया छुए टूट गया, हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ दिया। परशुराम जी निकाले आपन फरसा, अब बोले ये देख, दिख रहा है 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं मैं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर दिखाई पड़ा है हमको जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है, आज तक सबकी प्रशंसा संसार करती है, ये बाबा जी आपन प्रशंसा अपने मुख से। हमारी बात सुन लीजिए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। आप फरसा दिखा रहे थे, धनुष बाण देखिए मेरे भी हाथ में है, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं। क्यों? मैं रघुकुल से आता हूं और रघुकुल में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार करना वर्जित बताया गया है। हमारे कुल में ब्राह्मण गौ पर प्रहार नहीं होता। यदि मैं आपसे युद्ध करूं तो दोनों प्रकार से मेरा नुकसान होने वाला है। यदि मैं युद्ध में आपको मार दिया, परशुराम जी बोले क्या बोले, मान लीजिए यदि आपको मैं मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और युद्ध में यदि आपसे पराजित हो गया तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित होना ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा, दोनों प्रकार से नुकसान केवल मेरा होने वाला है, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी को बोले कि तुम्हारा चेला जितना गोरा दिखाई दे रहा है ना, भीतर का उतना काला है, ये मीठा नहीं बोलता।
तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो यही टुकड़ा पड़ा है, किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले देखो फिर बोला। राम जी बोले मुनिवर बालक बर्रे एक स्वभाव, बड़े लोग छोटे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। लक्ष्मण तो भी छोटे बच्चे, दूध मुहा बच्चे हैं, अभी इनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। हमारी आपकी क्या बराबरी है? आप जाति में ब्राह्मण हैं, हमारे से श्रेष्ठ हैं। आप वय में हमारे से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम केवल राम है। देखिए ना, आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हमारी आपकी कोई तुलना है क्या? लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। हम तब से कह रहे हैं पुराना था टूट गया, पुराना था टूट गया, आप समझ ही नहीं रहे। बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकारते हैं, तो मेरी बात सुनिएगा आप। मैं रघुवंशी राम हूं, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अपना स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने यदि युद्ध में काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाते, हम युद्ध करते हैं काल से। मैं वो रघुवंशी राम हूं। परंतु काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में श्रद्धा रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होके रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। भगवान के श्रीमुख ये वचन परशुराम जी के मति को पलट के रख दिए। सोचने पर विवश हो गए कि ब्राह्मण में इतनी श्रद्धा, भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि जी का धनुष है, जिसका नाम है अजगौ। और आपको बताऊं, धनुष की डोरी चढ़ी नहीं रहती है, धनुष की डोरी एक छोर में बंधी रहती है और उसके बाद उस धनुष में लिपटी हुई रहती है। युद्ध के समय धनुष का स्वामी डोरी को धनुष से निकालकर और धनुष को पकड़ के नीचे खींचकर झुकाकर और अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पर प्रत्यंचा को चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरी को दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोची, यदि राम भगवान होंगे तो इस अजगौ को झुकाकर इसकी प्रत्यंचा अवश्य चढ़ा देंगे। कह राम रमापति कर धन ले हो, खैचहू मिटाए मोर संदेह। इस धनुष को खींचकर मेरे संदेह को समाप्त करिए। और बाबा कहते हैं, जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान ने धनुष को हाथ में पकड़ा तो उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाना नहीं पड़ा। भगवान के हाथ में जाने के बाद उस धनुष की प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। ए जिदे ताचा पाया कोई चढ़ गया, जैसे भगवान ने अजगौ को पकड़ा उसकी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी को विस्मय भान हुआ। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, नौ बार राम जी की जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद लोग सांस में सांस लिए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, महाराज टूटत ही धनु भयो विवाह,
महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो एक दृष्टि से संपन्न हो गया है, परंतु अपनी लोक मान्यताओं का पालन करने के लिए आप अपने घर में श्रेष्ठ जनों से, गुरुदेव से, ब्राह्मण देवताओं से मंत्रणा करिए और जो उचित आपको विचार वो प्रदान करें उसका अनुसरण करिए, पालन करिए। जनक जी महाराज ने ब्राह्मण देवताओं को, श्रेष्ठ जनों को, गुरुदेव को बिठाकर मंत्रणा की और यही बात सामने निकली कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए और जिसके बाद महाराज बरात लेकर वापस मिथिला आवें और धूमधाम से विवाह संपन्न किया जाए। दूत मिथिला के अयोध्या पहुंचे। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर विलोकी सुहावन। पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर विलोकी सुहावन। भूप द्वार खबर जनाई दशरथ नृप सुनिलिए बोलाए। भूप द्वार तिन खबर जनाई दशरथ नृप सुनिलिए बोलाए। करी प्रणाम तीन पाती दीनी मोदित महीप आप उठे लेनी। करी प्रणाम तीन पाती दीनी मोदित महीप आप उठे लेनी। दूत श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं मिथिला के और अयोध्या का दर्शन करके दूत गदगद हो गए। हरसे नगर बिलोक सुहावन। और वास्तव में अयोध्या नगरी अद्भुत है हो, और अब तो और अद्भुत बनने जा रही है। आप में से कितने लोग अयोध्या गए हुए हैं? हम भारत के बाहर बैठे हैं का? कितने लोग नहीं गए हैं? बहुत सही। हम कुछ कह नहीं रहे हैं। अगले वर्ष 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। भगवान से कहिए, प्रभु जो जो आज तक अयोध्या नहीं गया है उसके बाद जाकर रामलला सरकार का दर्शन अवश्य कर ले अयोध्या का। नहीं निकल पा रहे तो राम जी से रोज प्रार्थना करिए, ले चले अपनी नागरिया राम जी, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सप्तपुरियों में
अयोध्या भगवान का मस्तक है। कहाँ है सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीरा अयोध्या नगरी। संत संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जो लोग गए हैं मानसिक दर्शन करिए बैठे बैठे। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, चरण में अंजनी लाल बिराजे, चरण में अंजनी लाल बिराजे, देखी देखी भई मैं बावरिया, देखी भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अयोध्या नगरी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका है पुरी, ये समस्त सप्तपुरियों में अयोध्या भगवान की मस्तक है, अयोध्या मस्तक है। प्रार्थना करिए प्रभु जब तक सांसें चल रही हैं एक बार हम भी अयोध्या पहुंच जाएं, क्यों मेरे रघुनाथ जी के श्री मुख वचन है, भगवान कहते हैं कि अति प्रिय मोही यहां के वासी, मम धाम पुरी सुख रासी। प्रभु के श्रीमुख वचन है, राम जी कहते हैं प्रिय तो मुझे सब है, सब मम प्रिय, परंतु जो अयोध्या के वासी हैं वो मुझे प्रिय नहीं है, वो मुझे अति प्रिय है। ये भी मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राम जी बोले हैं।
हमारे टीम में भी दो ही लोग हैं अयोध्या वासी। ये जो तबला बजा रहे हैं विनायक जी, ये अयोध्या के वासी हैं। उधर रुपेश जी बैठे, वो भी अयोध्या के वासी हैं। इन दोनों से जलन हो रही है ना, ये अयोध्या वासी हैं, भगवान को अति प्रिय है। एक दिन मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से रात्रि में पूछा, सरकार हम भगवान को अति प्रिय नहीं है। पूछे क्यों, तो राम जी तो कह रहे हैं कि जो अयोध्या का वासी है वो अति प्रिय है। हमारा गांव तो बिहार में है, हम कलकत्ता में रहते हैं, तो हम तो भगवान को अति प्रिय नहीं हुए ना प्रभु। तो महाराज श्री लेटे थे, उठ के बैठ गए, बोले राजन चार प्रकार के लोग अयोध्या के वासी हैं, इसको पहले समझ लो। कितने प्रकार के? चार। चार प्रकार के। पहला वो जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो, उसके बाद वो धरती के किसी भी कोने में रह रहा है, वो अयोध्या वासी है। दूसरा वो जन्म कहीं हुआ हो लेकिन आकर अयोध्या में बस गया हो, वो अयोध्या वासी है। तीसरा वो जिसका जन्म कहीं हुआ हो, रह कहीं भी रहा हो, लेकिन साल में एक दो बार अयोध्या आता जाता रहता हो, वो भी अयोध्या वासी है। और चौथा, जन्म कहीं हुआ हो, रहता कहीं और हो, किसी कारणवश अयोध्या आ नहीं पा रहा हो, लेकिन यदि उसका मन अयोध्या में रहता हो तो वो भी अयोध्या का वासी है और वो भगवान को अति प्रिय है। अयोध्या भगवान की नगरी है। हो आप सोच सकते हैं, हनुमान जी महाराज सजीवन बूटी लेके जा रहे थे लंका की ओर, अयोध्या के पास पहुंचे, आकाश में भरत जी ने देखा एक विशालकाय शरीर को, पहाड़ उठाए, भरत जी को लगा कोई निशाचर न जा रहा हो, बाण चला दिए। जैसे बाण चलाए भरत भैया, हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर नीचे गिर गए। भरत जी पास गए तो हनुमान जी के मुख से राम राम शब्द निकल रहा था। भरत जी छटपटाने लगे, मैंने भगवान के भगत को बाण चला दिया। जब हनुमान जी मूर्छा से बाहर निकले, भरत जी क्षमा करने लगे। हनुमान जी बोले, भरत जी आप क्षमा न मांगिए, मैं अपराध कर रहा था और आपने हनुमान को अपराध करने से आज बचा लिया। भरत जी पूछे, आप कैसा अपराध कर रहे थे? श्री हनुमान जी बोले, मैं आज उस धरती पर बैठा हूं भरत जी, जिस धरती पर ब्रह्म को उतरना पड़ा नीचे, जिस धरती ने ब्रह्म को आकर्षित करके अवतार लेने के लिए अपने धराधाम पर विवश कर दिया, उस धरती को मैं ऊपर ऊपर से पार करना चाहता था। जहां भगवान उतर गए हैं वहां मैं ऊपर ऊपर जा रहा था। इतने बड़े अपराध से आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे नीचे बुलाकर और उस धरती को प्रणाम करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया, आपने अपराध से मुझे बचा लिया। अयोध्या वो धरती है। दूत पहुंचे मिथिला के, गदगद हो गए देखकर। महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे, भीतर सूचना दिए। महाराज सुने कि मिथिला के दूत आए हैं, तुरंत महाराज ने दूतों को बुलाया। दूतों ने करी प्रणाम, तीन पाति दूतों ने प्रणाम करके कहा, प्रभु हम अपने महाराज के संदेशे को आपके पास लाए हैं। दशरथ जी को यह पता था कि मेरे पुत्र राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ मिथिला गए हैं, और ये समझते विलंब नहीं लगा कि इस पत्र में अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई संदेश लिखा होगा। और यहां दर्शन करिए, दशरथ जी चक्रवर्ती महाराज हैं, नियम से महाराज अपने सिंहासन पर बैठे रहते, मंत्री लोग दूतों से पत्र लेते और ले जाके महाराज के हाथ में देते अथवा वहां खड़े होकर बांचते। लेकिन जहां प्रेम हो जाता है
वहां सारे नियम समाप्त हो जाते। आज चक्रवर्ती जी मुदितम ही पर आप उठ ली स्वयं श्री चक्रवर्ती जी महाराज खड़े भय सिंहासन से नीचे उतरे दूतों के हाथ से पत्र लिए और वहीं पर खड़े खड़े पत्र खोलकर महाराज पढ़ने लगे। अब दर्शन करिए हुआ क्या है, बोल नहीं रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, शरीर में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। महाराज मन ही मन पत्र को पढ़ते गए, इतने आनंद में उतरते गए, झरझर नेत्र से अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए, भाव ऐसा मुड़ उमड़ा कि कंठ अवरुद्ध होने लगा। महाराज के इस भाव भंगिमा को देखकर सभा में जितने लोग बैठे थे, सभा के लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बार हमको भी तो पता चले उसमें क्या लिखा है। महाराज बोले, अभी 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 सुनाता हूँ। तुरंत पुनी धरी धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साची। दूसरी बार महाराज सभा के लोगों के सामने पढ़े, सारे लोग आनंद में आ गए। जब प्रियतम का पत्र आता है तो जीव एक ही पत्र को हजारों बार पढ़ता है, है? अब तो खैर पत्र पढ़ने का सिस्टम ही समाप्त हो गया है, लेकिन पहले जब पत्र आया करता था, हमारी माई बताती थी, जब बाबूजी कलकत्ता में नौकरी करने आए तो माई गांव में रहती थी, तो जब कलकत्ता से कोई जीव कोई व्यक्ति गांव की ओर जाता था तो गांव के आसपास के जितने लोग कलकत्ता में रहते थे उनके घर के लोग उनको ढूंढते थे, कहीं हमारे बारे में कोई पत्र तो वहां से नहीं आया है, है? इतनी प्रतीक्षा होती थी। यहां भरत जी आए, महाराज ने तीसरी बार भरत जी को सुनाया और आपसे अभी कह रहा था नियम समाप्त हो जाते हैं। महाराज ने दूतों को अपने बगल में बिठा लिया। आप सोच सकते हैं, एक चक्रवर्ती महाराज के बगल में एक राज्य का दूत आकर बैठा। महाराज ने मिथिला के दूतों को बगल में बिठाया और भाषा का ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। भैया कहो कुशल दो बारे भैया कहो कुशल दो के निज नयन निहारे तुमनी के निज नयन निहारे श्यामल गौर धरे धनु भाथा किशोर कौशिक मुनि साथा किशोर कौशिक मुनि साथा किशोर कौशिक मुनि साथा। महाराज कहते हैं दूतों से कि भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना, अभी मैं पहचान बताता हूं आप समझ जाएंगे। एक सांवले होंगे एक गोरे होंगे, विश्वामित्र जी के साथ गए होंगे, बहुत कम उम्र है अभी, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे, ये उनका पहचान है। आप देखें अपनी आंखों से वो दोनों कुशल है ना,
ये बताइए जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचान गए? कहहु विदेह कवन विधि जाने। दूत मुस्कुरा कर बोले, महाराज सूर्य को संसार में अपना परिचय नहीं देना पड़ता है, सूर्य उदित होता है तो पूरे विश्व को सूर्य का पता चल जाता है। आज आपके राम के तेज के आगे सूर्य का तेज धूमिल हो गया, जिनके जश प्रताप के आगे शशि मलीन रमेश तल लागे। इस पत्र में तो थोड़ा लिखा है, यदि आप आज्ञा दे तो हम उसको विस्तार से बता सकते हैं। महाराज ने कहा बताइए। मिथिला के दूत गाकर बताने लगे, अरे राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आयल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया दुल्हा चुनली रौरी। ओ दुल्हा चुनली रौरी बड़कु राज कुमार के, चिट्ठी बा सरकार के। दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले, लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के। लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। गैले देश देश के, हो गैले देश देश के राजा हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के।
पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। पढ़ली चिट्ठी के सब बात लेके आ जाई बरियात। शादी खातिर शुभ दिन हो, शादी खातिर शुभ दिन, नीमन लगन विचार के चिट्ठीबा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठीबा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठीबा सरकार के। सरकार चरणों में रख दिया और कान बंद करके कहने लगे, महाराज हम आपसे कुछ ले लेंगे तो ये अनीति हो जाएगी, अधर्म हो जाएगा। कहे हम आपसे कुछ लेने यहाँ पर नहीं आए हैं, हम आपको केवल बताने आए हैं, हमारी शियाजू का यहाँ विवाह होने वाला है। यद्यपि किशोरी जी हमारी बेटी नहीं है, हमारे महाराज की बेटी है, लेकिन महाराज आज तक किशोरी जी ने हम लोगों को कभी नाम लेकर नहीं पुकारा है। किशोरी जी ने हम लोगों को सदैव काका जी कह के पुकारा है, और यदि हमको अपने मुख से उन्होंने काका जी कह दिया तो इस संबंध से वो हमारी बेटी हो गई, और बेटी के घर से ले लेंगे तो अधर्म हो जाएगा। महाराज हम आपसे कुछ लेने नहीं आए। दूतों की इन वाक्यों को सुनकर महाराज गदगद हो गए, सोचने लगे जिस राजा के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं उस राजा का कितना श्रेष्ठ विचार होगा। अयोध्या की पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। दूतों की समुचित व्यवस्था कराकर चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए बताने के लिए, और रानियों से बताने के लिए नहीं गए, जिसके कारण आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बताने के लिए महाराज दौड़ कर गए। आश्रम पर गए, चरणों में दंडवत करके दूतों का पत्र दिया है, दूतों को बुलवाकर पुनः पूरी सूचना सुनवाई है। हाथ जोड़े कृतार्थ भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों को महाराज दशरथ देख रहे हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मुस्कुराकर बोले, राजन आज आपको जो प्राप्त हुआ है इसको प्राप्त होने से आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। क्यों? नियम कहता है नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, होती है ना। कोई भी समुद्र किसी नदी को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजते कि आओ आओ हमारे पास आओ, परंतु कितना भी बांध लगाइए समस्त बाधाओं को पार करके नदी स्वतः एक दिन समुद्र के पास चली जाती है। राजन उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, तिमी सुख संपत्ति बिनही बुलाए, धर्म शील पही आई सुहाए, धर्म शील पही जाही। सूत्र है इस रामचरितमानस का, एक सूत्र है। जिस प्रकार समुद्र को नदियों को नहीं बुलाना पड़ता, स्वतः नदी चली आती है, उसी प्रकार धर्मशील मनुष्य को जीवन में सुख संपत्ति को नहीं बुलाना पड़ता, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप पहुंचाती है। यदि धर्म केंद्र में है
तो सुख से कोई वंचित नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, ऐश्वर्य होने से सुख आने वाला नहीं है। बहुत साधन जमा करके हम सुखी हो जाएंगे, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। घर में बहुत रुपया हो जाए ना तो रात का नींद समाप्त हो जाता है, कहीं कोई लेके ना चला जाए। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बहुत सोना जीवन का सोना समाप्त कर देता है। बहुत सोना हो जाए तो रात का सोना समाप्त हो जाता है। उसी सोने के कारण जीवन में साधन से सुख नहीं आ सकता, जीवन में केवल और केवल साधना से सुख आ सकता है और धर्माचरण से सुख आ सकता है। धर्मत विरति जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसलिए जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं माई बाप तो धर्माचरण करने का प्रयास करिए। धर्म क्या कहता है? राम जी जो जीवन जिए हैं ये धर्म है। बहुत पहले की बात, संभवतः 2015-16 में मैं राजस्थान में एक जगह है बांसवाड़ा, रतलाम के पास, एमपी रतलाम के पास, अभिषेक भैया बांसवाड़ा में मैं कथा गा रहा सरकार। एक पत्रकार बंधु आए कैमरा उमरा लेके, बोले महाराज एक ही प्रश्न करने आया हूं और यही प्रश्न सभी महापुरुषों से मैं करता हूं। फिर हमने कहा आप प्रश्न करने नहीं आए हैं, आप हमको जानने आए हैं। यदि आप किसी महापुरुष से इस प्रश्न को पूछ चुके हैं तो मेरे पास क्यों आए? तो बोले महाराज जितने लोगों से पूछा सबने अलग अलग उत्तर दिया, एक जैसा उत्तर किसी ने नहीं दिया। हमने कहा प्रश्न क्या है? बोले महाराज धर्म क्या है? प्रश्न एक ही है, धर्म क्या है? सभी महापुरुषों से बात करता हूं, सब अलग अलग बताते हैं। हमने कहा भैया देखिए, पहली बात आप ये मान के रखिएगा हम विद्वान नहीं है, हम रामचरितमानस की कथा इसलिए गा लेते हैं कि मेरे जैसे गंवार के लिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिख दिया, जिसको कम पढ़ा लिखा भी गाकर और भगवान का गुणगान कर सके, इसलिए मैं इनकी कथा गाता हूँ। मेरी जो बुद्धि कहती है, मैं आपसे कहूँ, मानस में ही धर्म की कई परिभाषाएं हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित जैसा धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य जैसा दूसरा धर्म नहीं। अहिंसा परम धर्म है, मानस में तीन तो यही मिल गया, कौन सही है? तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, कन्हैया जो अपने मुख से बोल गए वो धर्म है, कन्हैया की रहनी धर्म नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, कृष्ण जो मुख से बोल गए वो धर्म है और मेरे रघुनाथ जी जो जीवन में जी गए वो धर्म है, वही धर्म है। राम जी का आचरण धर्म का केंद्र है, राम जी का परिवार में व्यवहार धर्म का केंद्र है। यदि हमारे जीवन का व्यवहार उस व्यवहार से मैच कर रहा है तो हम धर्म में गति कर रहे हैं, किसी से प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म होगा तो सुख अपने आप उतर आएगा। गुरुदेव ने कहा महाराज जैसे आप हैं वैसे ही आपकी देवी कौशल्या जी हैं। मैंने आपके जीवन को बहुत निकट से देखा है महाराज, जब से रघुवंश का निर्माण हुआ है तब से लेकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ही गुरु हैं। बोले मैंने आपके कुल में अनेकों राजाओं को देखा महाराज, राजा तो एक से एक भय, लेकिन जैसे आप भय वैसा कोई नहीं भया महाराज। मैंने आपका जीवन निकट होकर देखा है, आपके जीवन का वैशिष्ट्य क्या है? तुम गुर विप्र धेनु सूर से, आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की,
आपने गौ की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की, और जैसे आप हैं महाराज वैसे आपकी कौशल्या देवी। और एक बात और कहूं, आपके बारे में मैं क्या बोल पाऊंगा। ब्रह्म जिसके आंगन में पुत्र बन करके अवतार लेकर घूम रहा हो, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में ये वशिष्ठ कितना बोल पाएगा। आप मेरे बोलने से परे हो गए हैं महाराज, आपके धर्म की व्याख्या मेरे बस की बात नहीं रही है। आप जैसा राजा भयऊ न आहई न अब होनी हारा, आप जैसा राजा न कभी हुआ था न है और न आगे कभी भविष्य में होने वाला है। ये आपके जीवन का परिणाम है महाराज कि आपको जीवन में ऐसा सुख प्राप्त हुआ है। गुरु जी ने तुरंत बरात के निकासी का मुहूर्त बनाया। अब यहां समझिएगा, बरात विवाह का मुहूर्त नहीं निकला अभिषेक भैया, दुनिया की इकलौती बरात है मेरे राम जी की जो बिना किसी विवाह के मुहूर्त के निकल गई। गुरु जी ने बरात जाने का मुहूर्त निकाला, बस महाराज जाकर निवास में माताओं को सुनाए, कौशल्या मैया ब्राह्मण देवताओं को दान देने लगी, सुमित्रा मैया चौक पुरने लगी और कैकई मैया बरात की तैयारी में लग गई। सभी माताएं अलग अलग व्यवहार में लग गई है, बरात सजी है, अद्भुत बरात सजी है। दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाकर महाराज बगल के रथ पर स्वयं बैठे हैं, ऐसा लगा है मानो देव गुरु बृहस्पति और देवराज एक साथ धरती पर उतर गए हो। बरात चली, अरे श्री राम जी की अजब बरात, अवध से मिथिला चली। जब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है, श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवध इतरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में बरात में सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध।
हवत से मिथिला चली। यह बरात सब भांति मनोहर, यह बरात सब भांति मनोहर, यह बरात सब भांति मनोहर, यह बरात सब भांति मनोहर। एक कमी है, नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली, नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। इतने बराती किंतु किसी को, 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 नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली, हाय नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध बरात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरा अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, 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 राज सोम सुखा अवध से मिथिला चली, श्री राम जी अजब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बैठ जाइए, बारात पहुंच गई। अरे श्री राम जी की अजब बरात अवध से मिथिला चली। बरात को 4 दिन का समय लगा है अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंचने में। कितना दिन का समय लगा? 4 दिन। रात को जहां बैठकर बरात भोजन करती थी, अयोध्यावासी बराती बने हैं, सोचते हैं बस 2 दिन और पहुंच जाएंगे मिथिला। और जैसे मिथिला में पहुंचेंगे, मिथिला में बहु आइटम मिलेंगे, मिथिला का भोजन। कहां माई, कहां बैठी है माई? मैया कहां बैठी है? मैया कुर्सी पर। माता जी कहां बैठी हैं? अभिषेक भैया की। मैया मैं पक्षपात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं मिथिला के बारे में शुरू करता हूं बोलना, मैया बोली माया महाराज मिथिला की ज्यादा बड़ाई नहीं करेंगे आप। क्यों? घर में एगो बहू जी मिथिला से आके बैठी है ना, इसलिए। लेकिन देखिए, मिथिला हमारी माई की नगरी है और लड़का को ननिहाल से बहुत प्रेम रहता है, तो आप कितना भी दबाइएगा हम दबने वाले नहीं है, हम मिथिला की प्रशंसा जरूर करेंगे।
मिथिला भोजन करने बैठिए, इतने इतने प्रकार के व्यंजन आ जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे एक परिकर हैं, परिचित हैं, झा जी पटना में। कोरोना में भैया हम लोग 3 महीना गांव जाके रहे, तो किसी काम से हम तीनों भाई विनय बड़े भैया मैं हम तीनों लोग पटना गए थे। तो सुबह सुबह 9 बजे उनका फोन आया, महाराज जी आप पटना में हैं? हमको जी भैया बताए नहीं, दोपहर का भोजन घर पे जूठन गिरेगा महाराज। हमने ठीक है भैया। 9 बजे बात हुई, 11:30 बजे अढ़ाई घंटे बाद हम तीनों भाई वहां पहुंच गए। 12 बजे थाल भोजन की थाल आई, थाली में 10-12 कटोरी और थाली के बाहर 25 कटोरी और सब में अलग अलग आइटम, और इतना इतने दूरी में भोजन की थाली थी। और उसके बाद हाथ जोड़ के बोले, महाराज जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम लोग, हमारे यहाँ तो नियम 108 कटोरी रखने का है, लेकिन जल्दी जल्दी में 25 ही आइटम बना पाए, जो बनाए उसको पान करिए। हमले भैया इतना तो हम एक सप्ताह में पाते हैं। अयोध्यावासी बारात रात में रुकी है, रास्ते में सोचते हैं मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ मर गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बरात, से मिथिला चली। बरात चली और जनक जी महाराज को देखिए, आवत जानी भानुकुल के तो। बरात अयोध्या से चल दी है ऐसा जानकर, अयोध्या से मिथिला तक बीच में जितनी नदियां पड़ी उन सभी नदियों पर सरितन जनक बंधाए सेतु, उन समस्त नदियों पर जनक जी महाराज ने सेतु का निर्माण करवा दिया। 4 दिन में बारात चलकर अयोध्या से मिथिला पहुंची है। श्रीधाम मिथिला में बारात का भव्य स्वागत किया है श्री जनक जी महाराज ने, स्वागत करके बारात को जनवासी में स्थान दिया है। जनवासा समझते हैं ना, जहां बारात जाके रुकती है। इस बारात में सारे देवता वेश बदल के बाराती बन करके आए हैं, समस्त देवता अलौकिक सौंदर्य के सब स्वामी। मिथिला वासियों ने जैसे बारात की दिव्यता का दर्शन किया है, सारे लोग एक दूसरे से कहने लगे, प्रथम बरात लगन ते आए, प्रथम बरात लगन ते आए, आते पूर प्रमोद अधिकाए, ब्रह्मानंद लोग सब लाई, ब्रह्मानंद लोग सब लाई, पढ़हु दिवस राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम सीताराम, सीताराम, राम राम 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 सीताराम।
मिथिलावासी क्या कहने लगे, प्रथम बरात लगन ते आए। एक व्यक्ति कह रहे थे कि वो स्वामी जी कह रहे हैं पहली बरात है जो लग्न पर आई है, ऐसा नहीं है, ये उल्टा अर्थ हो गया। प्रथम बरात लगन ते आई, इसका अर्थ है कि बरात लग्न के पहले ही मिथिला चली आई। कितने पहले चली आई, एक पक्ष 15 दिन पहले बरात पहुंच गई। बरात के आने के 15 दिन बाद विवाह हुआ मैया का। आजकल 15 दिन छोड़िए कि वो एक दिन पहले पहुंच के दिखा दे। अरे बारात के दिन तो टाइम पर पहुंची नहीं रही है बारात, रात को 1 बजे 12 बजे बारात पहुंचती है। मेरे प्रभु की बारात 15 दिन पहले पहुंची। अयोध्यावासी जब बारात की दिव्यता देखे तो ब्रह्मा जी से, मिथिलावासी ब्रह्मा जी से हाथ उठाकर भिक्षा मांगने लगे। ब्रह्मा जी बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहे, आप ब्रह्मा जी दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। आज तक 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि बनाए हैं आप, ब्रह्मा जी आज से कम 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात बना दीजिए। क्यों, ये जो आनंद का समय जीवन में आया है, ये समय शीघ्र जीवन से निकल के न चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि ब्रह्मा जी बढ़ा दीजिए। अब रनिवास में सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी सखियां हैं? 8। आपस में सखियां बात करने लगी, सुन लू हो का? एक ने कहा कि बारात में भी 2 आए हैं। दूसरी ने कहा कि तुम इतना ही जानती हो, मैं ये भी जानती हूं कि उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। तीसरी ने कहा तुम सांवला गोरा ही केवल जानती हो, हम तो रिलेशन भी पता लगा लिए हैं। पहले विश्वामित्र जी के साथ जो दोनों आए थे, अब बाद में जो बारात में दोनों आए हैं, ये चारों खास भाई हैं, अपने भाई हैं चारों। पांचवी सुनी तो नाचने लगी, बोली यदि ये चारों अपने भाई हैं तो फिर तो मैं ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगूंगी, मैं आंचल फैला के ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगूंगी। ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो यहाँ पर, लेकिन आप ऐसा कोई जादू कर दीजिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहाँ से कोई कुंवारा लौटने ना पावे वापस। सखियां ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती हैं, उपमान को कह दास तुलसी कत नारे सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावही प्याही अहो चारे भाई एही पूरा हम सुअंगल गावही मांगती हैं, ब्याही अहो चारे ओ भाई एही पुरा हम सुमंगल गावही। सखियां भिक्षा मांगती, ब्रह्मा जी चारों भाइयों का यहां विवाह हो जाए। अब मुहूर्त निकाला गया, किस चीज का मुहूर्त निकाला गया, किस दिन विवाह होना है। और आप दर्शन करिए, एक ही मुहूर्त 2 जगह निकला, जहां बारात रुकी है वहां पर ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले
क्योंकि ब्रह्मा जी बराती बन के आए हैं और जनक जी के महल में उनकी ज्योतिषी मुहूर्त निकाले। और दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने इस मुहूर्त की चौपाइयों को गांव के गीत की भाषा में लिखा है। यहां आरा, बलिया, छपरा, बक्सर, सिवान के सब लोग भरे पड़े होंगे। हमरी ओर पूर्वांचल में विवाह में एक रस्म है मटकोड़। यहां मटकोड़ होता है विवाह में। आप दर्शन करिए मुहूर्त की चौपाइयों को गोस्वामी जी कैसे गांव के गीत पर लिखते हैं। गांव का गीत है, अरे कहां के पियर माटी, कहां के कुदार है, कहां के पियर माटी, कहां के कुदार है, कहां के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहां के पांच सुहागिन मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिले के पांच सुहागिन माटी कोड़े जासु है, मिथिले के पांच। चौपाई दर्शन करिए, मंगल मूला लगन दीन आवाजी, मंगल मूल लगन दीन आवाजी, हिमरी तू अगहन मास सुहावाजी, हिमरी तू अगहन मास सुहावाजी, ग्रह तिथि ना खता जोग पर पारू जी, ग्रह तिथि न खता जोग पर पारू जी, लगन सोधी विधि तीन विचारू जी, लगन सोधी विधि तीन विचारू जी, लगन सोधी विधि तीन विचारू लगन। मुहूर्त क्या निकला, मार्ग शीर्ष अगहन मास, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार का, और इस वर्ष ये विवाह पंचमी 17 दिसंबर को विवाह पंचमी पड़ने वाली है इस वर्ष दिसंबर महीने में। और दर्शन करिए, दोनों तरफ ज्योतिषियों ने भी महल में यही मुहूर्त निकाला और जनवासे में ब्रह्मा जी ने भी यही मुहूर्त निकाला। नारद जी महाराज जनवासे में मुहूर्त लेकर आए, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी बांचे, लोगों ने देखा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला, जय जयकार होने लगी। पंचमी तिथि आई, विवाह का दिन, गोधूली बेला आया। गोधूली बेला समझते हैं, संध्या बेला को गोधूली बेला कहते हैं, जिस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है उसी समय द्वार पूजन होना चाहिए, उसी समय दो परिवार का मिलन होना चाहिए, ये नियम है। लेकिन आजकल गोधूली बेला रात के 10 बजे के बाद हो गई है, कौनो द्वार पूजन 10 के पहले नहीं होता है। जैसे धेन धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहेउ विदेह सन जानि सगुन। ब्राह्मण देवताओं ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज जनवासी में सूचना भेजिए, गोधूली बेला हो गई है, दशरथ जी बरात लेकर द्वार पूजन के लिए चले उधर से। गोधूली बेला में बरात सच के चली है, राम जी दिव्य अश्व पर आरूढ़ है, सारे देवता निकले सज धज कर, लेकिन समस्त देवताओं में ब्रह्मा जी बेचैन हो गए हैं। ब्रह्मा जी ऐसे देख रहे हैं, शंकर जी पूछे ब्रह्मा जी से, ही बताइए हुआ का है आपको। ब्रह्मा जी बोले, बाबा और ही कौनो ब्रह्मा आ गए हैं का, क्यों इस समय जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है इस सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया है, ये कौन बना के चला गया। शंकर जी बोले, केकरी बियाह में आप आए हैं पता है आपको,
आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं ब्रह्मा जी, और माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं हुआ करती है। यहां हमारी आपकी करनी नजर नहीं आएगी, जितनी करनी है सब श्री सीताराम जी की करनी है। बराती बने हैं, आनंद में रहिए, करनी न ढूंढिए। राम जी दुल्हा रूप में बैठे हैं, भगवान शंकर नेत्रों से भगवान के रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन हुआ और द्वार पूजन के बाद सखियां मेरे राम जी को लेकर भीतर घर के आंगन में जाने लगी, क्या है, चुमावन और परिछन करने के लिए। चुमावन होता है ना, यहां होता है चुमावन, बहुत खतरनाक नियम है साहब। चुमावने में बदमाश भौजाई रहती है, नोच लेती है, बिकोटी काट लेती है। भगवान को सखियां लेकर जाने लगी, सखियां दूसरे सखी से कहती है सावधान, अरे नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे सिया जी के सावरे सवरिया रे, को नजरियों न मारे सिया जी के सावरे सवरिया रे, को नजरियों न मारे, अरे नजरियों न मारे, नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे, नजरियों न मारे, नजरियों न मारे को, नजरियों न मारे सिया जी के, सिया जी के सांवरे समरिया रे, को नजरियों न मारे सिया जी के सांवरे समरिया रे, को नजरियों न मारे। माथ पे मोर सोहे कान में कुंडलवा, 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 कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा, कान में कुंडलवा हो, कान में कुंडलवा, मोरी पे मोर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियों न मारे, मोर पे सोहेला कलंगिया रे, को नजरियों न मारे सिया जी के सावरे सवरिया रे, को नजरियों न मारे। लमहर बहिया में लमहर अंगूरिया, 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 लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया, लमहर अंगूरिया हो, लमहर अंगूरिया। अंगूरी में अंगूर में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियों न मारे, अंगूर में मड़ी के मुनरिया रे, को नजरियों न मारे सिया जी के सांवरे सवरिया रे, को नजरियों न मारे। पतरी कमरिया में पियरी धोती, पतरी कमरिया में पियरी धोती, पतली कमरिया में पियरी धोती, पतरी कमरिया में पियरी धोती, पियरी धोती हो, पियरी धोती, पियरी धोती हो, पियरी धोती। धोतिया में धोतिया में लागल बा झलरिया रे, को नजरियों न मारे, धोतिया में लागल बा झलरिया रे, को नजरियों न मारे
बिहारी कर जोर सरकार जिसे मिथिला बिहारी कर जोर सरकार मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जिसे मिथिला बिहारी कर जोर सरकार जोर सरकार कर जोर सरकार जिसे जोर सरकार कर जोर सरकार का कहें ले चलो अपनी नगरिया रे नजरियो न मारे नजरियो न मारे नजरियो न मारे सिया जी के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो न मारे सिया जी के सावरे सवरिया रे ओ नजरियो न मारे ओ नजरियो न मारे ओ नजरियो न मारे ओ नजरियो न पतली कमरिया में पियरी धोती पियरी धोती रे पियरी धोती और का धोतिया में लागल बाझलरिया रे को नजरियो न मारे सियाज के सावरे सवरिया रे को नजरियो नमा सखिया मेरे प्रभु को मंडप में आंगन में लेकर गई चुमावन हुआ परिछन हुआ चुमावनों के वो गीत है अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे महल से दौड़ी सरहज आई 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 बजावत हो कंगना धीरे बजावत हो सुमारे आरती कंचन थार समार सुआरती कंचन थार समार सुआरती कंचन थार समार सुआर घुमावत हो ललना धीरे धीरे घुमावत हो न्योछावरी करके चुमावन करके आरती उतार कर भगवान को सखियां विवाह के मंडप में लाई सीता मैया मंडप में आकर बैठी हैं आपसे निवेदन करूं चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके मंडप में बैठे हैं विवाह कराने के लिए मंडप के एक आसन पर आकर साक्षात सूर्य नारायण अवतार लेकर बैठे हैं सूर्य भगवान क्यों मेरे कुल का कोई नियम न छूट जाए विवाह में अपने कुल का नियम बताने के लिए सूर्य नारायण बैठे हैं अग्नि कुंड में साक्षात अग्नि नारायण आहुति प्रसाद स्वीकार करने के लिए विराजमान है सबसे पहले मुनियों ने गणपति भगवान का आवाहन किया जिस देवता का आवाहन होता है विवाह के मंडप में वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं हमारे यहाँ तो प्रतीक मान करके पूजन किया जाता है लेकिन राम जी के विवाह में ब्राह्मण देवता जिस देवता को बुलाते हैं वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं सूर्य प्रगति
पूजा ले। प्रथम पूज्य देवताओं का पूजन हुआ, आवाहन हुआ, पूजन हुआ। अब इसके बाद जिस प्रकार शंकर जी के विवाह में हिमांचल मैना ने स्वर्ण थाल में शंकर जी के पांव को पखारा था पद प्रक्षालन, उसी प्रकार जनक जी महाराज सोने की थाल में जल लेकर सुनैना मैया के साथ राम जी के पांव को पखारने लगे। बाबा कहते हैं लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नवनगर गान निशान जय धुनि उमगी जन चौधरी से चली। दर्शन करिए, जैसे जनक जी महाराज राम जी के पांव को धोना प्रारंभ किए, वहां जितने देवता वेश बदल के बराती बन के बैठे हैं, सारे देवता एक दूसरे से कहने लगे कि जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है, ये वही पांव है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, ये वही पांव है जिनसे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। और आज जनक जी महाराज उसी पांव को अपने हाथ से रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। आज अखिल ब्रह्मांड में जनक जी महाराज से बढ़कर दूसरा कोई सौभाग्यशाली जीव नहीं हो सकता है। पूरी सभा जनक जी की जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। पर कुंवरु कर तल जोरे साखो चार दो कुल गुर कर भयो पानी गहन बिलो राम जी सीता मैया आमने सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं। साखोचार हुआ। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया। सीता मैया की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने साखोचार किया। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार और कन्यादान संपन्न हुआ। कन्यादान हुआ। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सावरी करी हो मेदेव काठ जोरी हो लाई भावरी करी हो करी हो करी हो जो। कन्यादान संपन्न हुआ। कन्यादान के बाद विश्वामी जी कहते हैं करी होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। विधिवत आहुति संपन्न भई अग्नि में और उसके बाद विधिवत गठबंधन भया विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। हमारे श्रीधाम बक्सर में मामा पूज्य मामा जी कहते हैं, अब तो नहीं रहे वो नारायण दास जी भक्तमाली पूज्य मामा जी, पूज्य मामा जी कहते थे कि एक सखी जैसे गठबंधन की बात आई, एक सखी बोली कि देखो मेरे जीवन का एक ही सपना है कि जब सीता जी का विवाह हो तो उनका गठबंधन मैं अपने हाथों से करूं। जैसे उस सखी ने ये बात कही तो बाकी सखियां कही कि तुम अपने जीवन के इस सपनों को आज पूर्ण कर लो। चिर संचित मनोरथ चिर संचित मनोरथ आज पुराऊ है सखी अब पुराऊ है सखी
सिया सजना के गांठ में बधाओ हे सखी सिया सजना के गांठ। वो सखी आगे आई बोली देखो हम आज तक किसी का गठबंधन नहीं किए हमको आता नहीं है। एक दूसरी बड़ी सखी सिखाने लगी ऐसे ऐसे जैसे बोलती हूँ करो। वर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर बर के पटुका के कोर सिया के चुनरी के छोर आज दोनों के पटोरी के आजू दोनों के पटोरी के अटकाओ हे सखी अटकाओ हे सखी सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी सिया सजना। आगे कहती है गांठ बांधते समय एक और काम करना क्या ईराम प्राण के समान सिया उनहू के प्राण राम प्राण के समान सिया उनहू के प्राण दोनों प्राणिन के प्राण में ई दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ हे सखी अब बसाओ हे सखी सिया सजना के गांठ में बनाओ हे सखी सजना। गठबंधन भाई गठबंधन के बाद भावरी पड़ी और भावरी के बाद अब मुनियों ने आदेश दिया बहू जी के साथ जाइए। मुनियों ने राम जी को आदेश दिया राम जी अब आप जाकर सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए प्रभु खड़े हैं और आप दर्शन करिए। राम सिया सिर सिंदूर दे जाते बेली अरुण पराग जलज भरिनी के शशि भूष अहिरो भवनी के बहुरी बसीष दीन अनुशासन पर दुलही बैठे कर बहुरी वशिष्ठ दीन अनुसार पर दुलही में बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया तीन लोक चौदहों भुवन एक स्वर में बोला बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलिए दुल्हा सरकार की जय बोलिए दुल्हिन महारानी की जय। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर लगाया पूरी सखियां बोलने लगी अरे सुहावन लागे हो सुहावन लागे हो सिया मंगिया में सिनूरवा सुहावन लागे हो सिया मंगिया में सिनूरवा मंगिया में सिनूरवा हो मंगिया में सिनूरवा मंगिया में सिनूरवा हो मंगिया में सिनूरवा सुहावन लागे हो मन भावन लागे हो सिया मंगिया में सिनूरवा सुहावन
लागे हो सिया मनिया में से हौले हौले भौजी उठवली घूंघटवा हौले हौले भौजी उठवली घूंघटवा कूच कच अली घेरले कंज मुखटवा कूच कंज अली घेरले कंज मुखटवा चनर माझा के हो चनर माझा के हो सत सत मंडप बेतनवा चनर के हो सत सत मंडप बेतनवा सुहावन लागे हो सिया मंगिया में से मुरवा सिया मंगिया में से जैसे प्रभु ने माँ के मांग में सिंदूर अर्पित किया गुरुदेव भगवान ने कहा अब सीताराम जी ही आसन पर बैठेंगे। इधर गुरुदेव भगवान जाकर जनक जी से बोले महाराज घर में और लड़की बची है का आपके? जनक जी बोले गुरु जी तीन गो बेटी बच गई हैं, एक गो हमारा दो गो हमारी भाई के। गुरु जी बोले आपके घर में तीन गो बेटी हैं, हमरो घर में तीन गो बेटा है, बोलावा एक ही माड़ो भात सब है निपटी आज। और राम जी के विवाह के बाद उसी मंडप में लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया के साथ, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया के साथ। अच्छा आप बताओ मंडप कितना बा ब्याह के? कितना मंडप है? एक। दुल्हा दुल्हन कितने हो गए? अब सोचिए जो पिता एक बेटी के लिए माड़ो छाया हो और उस मंडप में गुरु कृपा से एक नहीं चार चार बेटियों का विवाह संपन्न हो जाए, उस पिता से अधिक आनंद में धरती का कोई जीव नहीं हो सकता। जनक जी गदगद हो गए हो, गुरु कृपा से चारों बेटियों का विवाह हो गया। सखियां देखी मंडप एक दुल्हा चार, नाचने लगी। आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कार खजरा रे जुल में नयनवा, कारे कार खजरा रे जुल में नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया।
दिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखियों न देखनी हा सुननी न कान है अखियों न देखनी हा सुननी न कान है जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवर सुरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सांवर सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया अरे रे बेहाल सखिया अरे रे बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैला जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैला से ही हमरा मिथिला में मान भैला से ही हमरा मिथिला में मान भैला आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया अरे निहाल सखिया अरे निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बोलिए दुल्हा सरकार की जय बोलिए दुल्हन महारानी की जय
हो, हो। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार कोहबर में गए, सखियां अनेक प्रकार से कोहबर में दुल्हा दुल्हन सरकार को गाड़ी श्रवण कराती हैं। एक सखी कहती है, सावधान, अरे पहुना के गरी आई हजनी, ई दुल्हा के गरी आई हजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरे यही हजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरे यही हजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरे यही हजनी, हवन बड़ा धीर हो। ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, ऊपर से करिया बाड़न ठाकुर शालिग्राम ऐसन, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो कौना के गरी हजनी, बड़ा धीर हो पहुना के गरी यही हजनी, चितवन कमाल इनकर मुसुकी गजब करे, 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 प्रेम इनके बांधे खातिर, प्रेम इनके बांधे खातिर जुल्फन के जंजीर हो पौना के गरी के गरी यही हजनी, बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, बन बन में पीछे पीछे गैयन के चरावत रहले, बन बन पीछे पीछे गैयन के चरावत कौन, पूर्वज दिलीप इनकर, पूर्वज दिलीप इनकर जैसे अहीर हो पहुना के गरी हजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी हजनी, हवन बड़ा धीर हो पहुना के गरी के। अनेक प्रकार से सखियां मंगल भाव से भगवान को गाली श्रवण कराती है। विवाह के 15 दिन पहले बारात आई, अविवाह के बाद भी कई दिनों तक बारात मिथिला में ही रुकी रही। हम बारात की विदाई नहीं कराएंगे, इसी भाव में रह जाए कि भगवान ससुराल में आनंद मना रहे हैं, आनंद पा रहे हैं। इस भाव के साथ इस 3 दिवसीय श्री राम कथा सत्र को हम और आप यहीं विश्राम देंगे। 3 दिन में हमको 2 उत्सव गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक शिव विवाह और दूसरा आज श्री सीताराम विवाह महोत्सव, आज और कल मिलाकर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री सीताराम जी के मंगल में विवाह की कथा को जो भी मनुष्य गाएगा श्रवण करेगा, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही, वो मनुष्य अपने जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
मैं भी अपने रघुनाथ जी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आयोजक परिवार, आदरणीय विधायिका महोदया, हमारे अभिषेक भैया, श्रीमती सरोजनी सिंह जी, श्रीमती पुष्पा सिंह जी, श्रीमती शिवानी सिंह जी, भैया एकलव्य सिंह जी, श्रीमती नेहा सिंह जी, हर्ष भैया जी, स्नेहा सिंह जी, आदर्श सिंह और मैया, हमारी पूरे परिवारीजन, भगवान सबको स्वस्थ रखें, सबको प्रसन्न रखें, सबका मंगल करें। इसी शब्दों के साथ जितने भी श्रोता बंधु यहाँ पर आए, आप सबका कल्याण हो, रघुनाथ जी के चरणों के प्रति आपका प्रेम बढ़े। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हिन महारानी की जय। आज बिना आरती देखे कोई नहीं जाएगा। आरती से पूर्व मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विधायिका महोदया से दो शब्द आकर मंच से आभार व्यक्त करें, उसके पहले हम और आप सभी लोग मिलकर हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, अपने हाथ को ऊपर उठाकर एक बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कथा विसर्जन आज अब प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब की बार तो तीन दिन का सत्र बहुत मुश्किल से निकल पाया, ये समय तीन दिन का। आदरणीय विधायिका महोदय पर रघुनाथ जी की करुणा रही, मेरा सौभाग्य रहा कि तीन दिन सत्र मिला, परंतु आगे कभी भविष्य में हम और आप मिलेंगे तो अब तीन दिन के लिए नहीं मिलेंगे, अब नौ दिनों के लिए मिलेंगे और पूरी राम कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान शंकर, माता पार्वती, रुद्रांश, भगवान हनुमान और सीताराम जी महाराज के आशीर्वाद से आज झरिया की धरती पर विगत तीन दिनों से हमारे सम्मुख पूज्य राजन जी महाराज ने श्री राम कथा का अद्भुत वर्णन किया। पूज्य राजन जी के महाराज जी के चरणों में मेरा नमन है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, इतना सब कुछ बोल दिया है कि मेरे बोलने लायक कुछ बचा नहीं है यहाँ पर।
लेकिन बस इतना कहूंगी कि प्रभु श्री राम की कृपा है रघुकुल पर, प्रभु श्री राम की कृपा है झरिया पर कि आज ये संभव हो पाया। असंभव था, ये मना कर चुके थे महाराज जी, लेकिन ना जाने कहां से एक दिन अचानक हमको हाँ मिल गई और ये संभव हो पाया। ये संभव होना ही था, इतने लोगों को आशीर्वाद जो चाहिए था, एक प्रण जो था मेरा कि जब से झरिया में आए हैं कुछ अच्छा ही करेंगे, झरिया के लोगों को मुख मोड़ कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, उनके प्रांगण में ही हर अच्छा कार्य होगा, हर मंगल कार्य होगा। मैं इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए सर्वप्रथम हमारे सभी पूजित देवी देवता भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान गणेश, परम पूजनीय हनुमान जी, सीताराम जी महाराज के साथ उनके सुंदर कथा का वर्णन करने के लिए राजन जी महाराज को प्रणाम करती हूँ। साथ ही एक भव्य कलश शोभा यात्रा जिस कार्यक्रम की शुरुआत इतनी सुंदर हो उसका अंत नहीं हो सकता, और ये अंत नहीं है, यहां से हमने आरंभ किया है, झरिया ने आरंभ किया है। मैं सभी माताओं, शक्ति स्वरूप सभी माताओं बहनों का, हमारी बच्चियों का, हमारे वृद्धजनों का, हमारे भाइयों का, अपने पूर्वजों को नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद करती हूं कि आपने भव्य कलश शोभा यात्रा, हमने 5000 लोगों के बारे में सोचा था, हमने नहीं सोचा था 25000 लोग होंगे वहां पर, और आपने सच करके दिखा दिया। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, एक हमारे सपने को सच करने के लिए, और आप ऐसे ही आशीर्वाद देते जाइए, आप सबके एक एक सपने को हम सच करते जाएंगे। प्रभु की कृपा, एक एक व्यक्ति यहाँ उपस्थित, एक एक व्यक्ति इस धरा पर, एक एक व्यक्ति के ऊपर हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, और कुछ जिम्मेदारियां ईश्वर ने हम सबको दी हैं, आप ही मेरी शक्ति हैं, आपकी शक्ति से ही मैं अपने कार्यों का भी निर्वहन कर सकूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सीताराम जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभु, अब हमारे सिख समाज के लोग यहाँ पे पधारे हैं, उन सभी लोगों को मैं आग्रह करूँगा कि वे आएं और महाराज जी को सम्मानित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी के श्री चरणों में इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, सांसारिक व्यवहार में निपुण हैं, पर परमार्थिक ज्ञान कम है। अगर कहीं आपके या आपके जनों की सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। इतना ही कहूंगा कि भूल से भी भूल हो जाए
तो भूल समझकर भूल जाना, भूलना सिर्फ भूल को हमें ना तो भूल जाना। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हार मोर लर मोती है, चपकन चारू पिया होती होती है। देखू चरण महावर कर कंगन दुल्हा के, देखू चरण महावर कर कंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलक घुंघराली काली, कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पर पान के लाली, सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के, सोहे लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान और तीरछी तकान है, जाति कोई उपमाना सकल जहान है। कोटि काम छवि वारू अंग अंगन दुल्हा के, कोटि काम छवि वारू अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है, लाडली कृपा से पौलो ऐसन मेहमान है। ऐसन बांधु नाही छूते गठबंधन दुल्हा के, ऐसन बांधु नाही छूते गठबंधन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के ई दुलरुआ पहुना के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के, सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के।
रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन् सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्रीवन्ति काबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नाग्रजातिकरवीलरसालपुष्पैः विल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।